पहले पहले तो 20-25 हजार कम से कम 3-4 लाख वो यहाँ लिखते रहे बदायूं में। ने जो जमीन दी है अपनी पशु चिकित्सालय के लिए, तो कैसे क्या आपके दिमाग में आया, पूरी घटना बताइए। ये जमीन हमारा बच्चा बीमार हुआ था तो कोई एक सज्जन हमारे लिए बरेली से आते समय रास्ते में मिले, उन्होंने कोई बूटी हमारे लिए दी, जैसे लकड़ी ये छोटी छोटे और उन्होंने कहा कि ये बहुत हमें इसको इस्तेमाल करना है। वो हमने जिस विधि से उन्होंने बताया वैसे इस्तेमाल करके बच्चे को दे दी, तो बच्चा ठीक हो गया। यही बात हमारे मन में आई कि ये बहुत काम की चीज़ है, इसलिए जो है श्री कृष्ण गौशाला खोली जाए और इसके नाम से श्री कृष्ण जी के नाम से गौशाला खोली जाए। और उसी के हिसाब से हमने DM साहब को जो है अपनी अर्जी पेश की, तो वो जिला अधिकारी पशु जिला अधिकारी के यहाँ वो हमारी अर्जी पहुँची। फिर हम वहाँ पशु जिला अधिकारी के यहाँ चिकित्सा अधिकारी के यहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने बताया कि इसके बजाय आप श्री कृष्ण गौशाला के बजाय आप इसके लिए हॉस्पिटल पशु अस्पताल के लिए आप जो है ज़मीन ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरा क्षेत्र जो है, पूरा इलाका इससे जो है फ़ायदा होगा, और आप 10 गायें पालेंगे तो 10 गायों को फ़ायदा होगा, इससे इससे बहुत गायों को क्या, जानवरों को क्या, सभी पशुओं को फ़ायदा होगा। कितना बीघा ज़मीन दी है? 4.25 बीघा ज़मीन दी हमने, और हमने यही सोच के उनकी जो सलाह उन्होंने राय दी कि ये अच्छा काम है। अच्छा ये बताइए कि आपके जब बच्चे की तबीयत खराब हुई थी तो आपने प्राइवेट जो अस्पताल है वहाँ भी इलाज कराया होगा? वहाँ कोई फायदा नहीं। अरे कितना पैसा खर्च कर दिया था आपने इलाज? 1 लाख रुपया, उसकी कोई गिनती नहीं। सर ककराला कस्बे में एक पशु चिकित्सालय के लिए एक व्यक्ति है, उन्होंने अपनी ज़मीन जो है 4 बीघा दान में ली है, क्या क्या घटना है इसके पीछे, क्या कारण है? देखिए साबिद अली जी हैं, इनके बेटे को अचानक एक बीमारी हुई जिसमें गर्दन और सब अकड़ गए और वो इन्होंने काफ़ी इलाज बदायूं में कराया और बरेली में कराया। एक एक दिन बता रहे हैं ये कि 30-30 हजार रुपये लग जाता था इलाज में, और करीब 3-4 लाख रुपए इन्होंने अपनी जेब से और अपने रिश्तेदारों से लेकर के लगाया। फिर किसी आदमी ने एक लकड़ी दी और कहा ये गौमूत्र के साथ मिला करके इसका जो है लिक्विड बना करके गौमूत्र का उसको पिलाओ तो ठीक हो जाओ। उन्होंने अपने बच्चे को फिर वही 15 दिन तक पिलाया और बच्चा ठीक हो गया। तो उनके मन में भाव आया कि हम एक श्री कृष्ण गौशाला अपनी जगह पर खोलेंगे। उस भाव के अंतर्गत ये मुझसे मिले थे, मैंने अपने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को इनके गांव ककराला के हैं वार्ड नंबर 3 जो वहाँ भेजा था, जमीन उन्होंने देखी। तो ये हुआ कि वहाँ पर गौशाला की जरूरत नहीं है बल्कि एक पशु चिकित्सालय की आवश्यकता है, जो सरकार ने सैंक्शन भी किया, जमीन नहीं उसके लिए। तो ये फिर इनसे कहा गया कि आप पशु चिकित्सालय के लिए ज़मीन दे पाओगे? उन्होंने कहा पशु चिकित्सालय साहब खुल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने पशु चिकित्सालय के लिए अपनी भूमि जो है निःशुल्क बिना पैसे की दान देने की घोषणा की है, क्योंकि गौमूत्र के सेवन से इनके बच्चे को लाभ हुआ, अच्छा ठीक हो गया और जो परेशानियां थी वो ठीक।